नौसेना में शामिल INS विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। इस चलते फिरते शहर यानी INS विक्रांत में 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे। समंदर में लड़ने के लिए खास तौर पर डिजाइन MiG-29K को INS विक्रांत पर तैनात किया जा रहा है। फाइटर जेट एंटी एयर एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभाएंगे। INS विक्रांत पर कमोफ 31 हेलीकॉप्टर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर डिप्लॉयड होगा। इस पर 450 किलोमीटर मार्क क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात रहेगी। फ्लाइट डेक करीब 12,500 स्क्वायर मीटर का है, यानी कि करीब 2.5 हेलीकॉप्टर जितना, और यहां से नौसेना एक बार में 12 प्लेन और 6 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट कर सकती है। इसके साथ विक्रांत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। विक्रांत में एंटी सबमरीन वॉरफायर की काबिलियत और एंटी एयर की काबिलियत भी होगी, यानी INS विक्रांत सही मायनों में समंदर का सिकंदर होगा, जो हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।